जालंधर के सिविल अस्पताल में वेस्ट हलके के विधायक सुशील रिंकू को एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए खुद चलकर आना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक हलका वेस्ट में रह रही शीतल नामक एक महिला, जिसके पति की गत दिनों एक एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई थी, जो कि डाक खाने में काम करता था, उसकी जगह पर उस महिला को नौकरी पाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत थी, जिसे बनवाने के लिए वे कई दिनों से सिविल अस्पताल के चक्कर काट रही थी, लेकिन कोई ना कोई बहाना लगाकर उसे हर बार टाल दिया जाता था, जिससे तंग आकर उसने अपनी व्यथा विधायक सुशील रिंकू को सुनाई, जिसे सुनते ही विधायक सुशील रिंकू तुरंत उक्त महिला के साथ सिविल अस्पताल में पहुंचे और उस महिला का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिविल अस्पताल के कर्मचारी कितने लापरवाह हैं और डॉक्टर अपने काम के प्रति कितने सचेत हैं। इस दौरान उक्त महिला ने विधायक सुशील रिंकू का धन्यवाद किया। इसके अलावा महिला ने सिविल अस्पताल प्रशासन पर सवालिया निशान भी उठाए। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैम, मेडिकल नॉर्मल होता, कभी भी आते अपना मेडिकल हो जाता। आज तुसी एक अपने एरिया से MLA साहब नु लेके आए हो नाल, की कारण सी कि तुहानू इन्हां नु लियाना पिया, इन्हां नु अप्रोच करनी पई? किन्ने के चक्कर लगाए? 5-6 बारी आ चुकी हाँ, कोई नहीं सुनवाई है, कोई नहीं सुनता इतने मेडिकल वगैरह, कभी कितने कभी कितने। फिर मैं सर नू फोन किया हार के, फिर सर आए, फिर सर ने सारा कुछ करवाया मेरा। मेरे इलाके की लड़की है शीतल, जी बड़ी मेहनती और बड़े गरीब फैमिली का, और पिछले दिन ही बड़ी मंदभागी घटना हुई, इन्हों के हसबेंड की एक्सीडेंट के डैथ हो गई, जिड़े कि पोस्ट ऑफिस के होर डाक सेवक जी अपन सेवावान निभाते थे, और उन्होंने जगह के उत्ते जी है इन्होंने अपनी जॉब ले एप्लीकेशन दी सी, और इन्हों का जोड़ा मैडिकल है, मैडिकल के जी दिक्कत आ रही थी, और मैंने सूर के दो फोन छोटी भैन दे आए, और मैं मेरा मन से कि मैं आप खुद जाके क्योंकि जी कोई डिफिकल्टी है जी इन इतने पेश आ रही है, नाल जाके डॉक्टर साहबान मिलकर यहाँ जरा हल कर।